नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब लोग? कैसन हो आप सब लोग? कैसन और बंगाली हम लोग नाइट को जो है वीडियो बना रहा है, सोने वाले थे जो है मिस जिस कर रहा है, जल्दी करो वीडियो बनाएंगे। तो मैंने कहा वीडियो नहीं है अभी लोग कल के लिए, और कल संडे है और संडे को हम लोगों ने लाइव भी आना है, तो इसलिए मैंने कहा कि कल वीडियो नहीं बन सकती, आज ही बना लेंगे और अभी बना लेंगे। आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं। एक्चुअली ये मूवी मैंने देखी नहीं, लेकिन मैं आज भी बोल रहा था इनको कि मुझे ये मूवी देखनी पड़ेगी। अच्छा यार, आजकल मूवी के सीन हो जाए बहुत वो बना रहे हैं, बहुत अच्छे सीन भी है। अच्छा, गैंग ऑफ वासेपुर बेस्ट मोमेंट्स, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है इसमें। गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो मोमेंट्स है इसको वॉच करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल वाले ट्रक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए, और हाँ लाइक भी जरूर किया करें ताकि हमें पता चले आप लोग इसकी सपोर्ट मिल रही है हमें। सो लेट्स वॉच, प्ले कर दो, प्ले कर दो। बेस्ट ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं छोड़ूंगा, गोदी में पॉपकॉर्न गिरेगा, माँ कसम नहीं ढूंढोगे, सट के बैठोगे? मां कसम नहीं सकूंगा। कौन है? अरे 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 यार, अब दादी बोलती है कि ये नगमा है। अच्छा तीसरा सीन है, मजा आ रहा है। ये मुनोज बाजपेयी बोल रहे एक्टर, सुन के बताओ मंत्री जी नाश्ता में क्या खाए? नाश्ता में खा खाए है ये बिलहार वाले गुरु को मां है। अच्छा बात है। यार कल रात को बहुत अच्छा देखे, उसका सीन बता रहे ना, अच्छी अच्छी सीन। शाहिद खान याद है ना? शाहिद खान को जानते हो? याद है, जो हमारा पहला चीफ हेंचमैन वो आया था सपने में। हाँ, वो ही आया था सपने में आपके। उसका लौंडा, उसके लौंडे का अच्छा। भूत आया था सपने में, जिसको मार के गाड़े थे तुम। कहाँ गाड़े थे? कहाँ गाड़े थे? याद तो है तुमको जहाँ गाड़े थे? वहीं गाड़े थे। हैं? तो ऐसा करो कि वहाँ जाओ और खोद करके उसके शरीर का जो अवशेष बचा अच्छा। लेके आओ, क्योंकि पंडित जी कह रहे हैं कि उसका शरीर अभी जिंदा है, अभी भूत बन के आके हमको डरा रहा है। जी ठीक है। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के, ये तो तुमको मार के गाड़ देंगे वहीं पर। बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको मार दिया ना, मुझे भी डर आ गया। गलती हो गई तुम्हारी, इस एक गलती से कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं तुम्हें। कितना इसका स्टाइल देखो ना, फुल गुंडों वाली। तो कोमी लग गया।
मतलब गैंग ऑफ वासेपुर मैंने देखा ही नहीं, मतलब नाम ही नहीं सुना था अभी तक, नाम ही नहीं सुना था अभी तक। पहले इसमें जो सीन था उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है उसको जो है ले जा रहे हैं अपनी उसको गर्लफ्रेंड को जो है फिल्म देखने के लिए ले जा रहे हैं ना, वो सीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद, वो बहुत अच्छा अंदाज, मतलब ऐसे खड़े होकर उसको कह रहे हैं कि चलो मूवी देखनी है, फिर सारी मूवी का नाम बता रहे हैं कि फलाना मूवी हम आपके है कौन है देखिए मैं तो बहुत पुरानी हो चुकी है, चलो खरा जो देखते हैं वो तो दिखी नहीं, फिर वो लड़की जाने को तैयार होती है, उमा खुशी होता है उसका, कहते नहीं अब मेरा हाथ पकड़ोगे, फिर कहते हैं नहीं हाथ मां कसम नहीं पकड़ूंगा, कहते हैं अगर पॉपकॉर्न मुझसे गिर गया तो आप मेरे साथ वो ढूंढोगे, कह रहे नहीं ढूंढोगा, कह रहे आप मुझे चीख से पकड़ोगे, मां कसम नहीं पकड़ूंगा, फिर अपने मां के साथ ही चले जाओ, वो कहते हैं आप मेरे साथ जो क्लोज बैठोगे नहीं, हो कह रहे माँ कसम नहीं बैठूंगा, तो जाके माँ के साथ बैठो ये वो तो एक वो सीन था, और दूसरा सीन जो था मतलब वो जो गाड़ने वाला सीन था जो बूथ बन के आ रहा है वो लास्ट वाला सीन मुझे वो मुझे बहुत मतलब चल रहा था, चलो लास्ट में जो थप्पड़ मारता है ना मुझे डरा देख यार, ये देख कितना खूबसूरत अंदाज में इसको जो है मार, मूवी में जो बैड वर्ड्स बोले गए थे किस तरह लाव किया है, तो किस तरह तो ये गैंग वाला जो गैंगवार मूवी जो बोलते हैं ना मतलब वो ऐसा ही गैंग वाले तो गालियां ही देते हैं और क्या होंगे, मतलब दूसरा जो है मुझे लास्ट सीन बहुत ज्यादा पसंद, और लास्ट में जो इन्होंने जो गंजा जो बना हुआ था उसे क्या नाम मनोज वाजपेयी, बहुत ही अच्छा एक्टर है, कहता है मुझे गोली नहीं लगी है, अगर गोली लगी है मुझे कुछ नहीं हुआ, थप्पड़े ऊपर से थप्पड़े भी मार रहा है, क्यों नहीं लगी लगी है ना बेचारे को जो है ऊपर से तो गोली लगी है और ऊपर से वो लोग मार रहे हैं, दूसरा जो है इस तरह सिचुएशन है जब चाबी भी गुम हो जाए फिर तो खराब तो कुछ और कह देता है ना कि काफी गुस्सा आ गया इसको, ये था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो सीन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी लड़ाई का, मैं कह रहा था इसने जो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रगल, ये मूवी भी देखना होगा यार ये जरूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में बोल रहा हूँ कि नवाजुद्दीन ने बहुत सारी जो स्ट्रगल की है आने में, ये जिस मूवी में जितने भी एक्टर थे मतलब मनोज बापा वाजपेयी और सारे जो है क्या नाम था नवाजुद्दीन सिद्दीकी और एक जो मुस्लिम बना हुआ था एक वो जो उसको थप्पड़ मारे थे, ये चार के चार बहुत ही वीआईपी एक्टर है, बहुत ही जबरदस्त एक्टर है, बाकी को तो मुझे नाम पता नहीं लेकिन क्या एक्टर एक्टिंग बहुत ही अच्छा है, जो है आजकल जो है मोस्ट डिमांडेड एक्टर है, मतलब हर फिल्म में जो है डिमांड के साथ इसको लोग बुलाते हैं मूवी में कास्ट करने, बाकी भी अच्छे एक्टर थे, बाकी भी सारे स्ट्रगल करके आए हुए हैं, नजदीक का मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा एक्टर है, इसकी जितनी भी मूवीज आई है सलमान खान के साथ भी आई है, रईस में जो है शाहरुख के साथ आया था, जो बड़े बड़े एक्टर है उन्होंने इसको कास्ट किया, तो आप खुद समझो कितना बड़ा एक्टर है, सो ये था नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर, हम लोग तो देखी नहीं लेकिन इसको जरूर वॉच करना, इसको देखेंगे इसको देखेंगे, तो ये था सीन बहुत ही अच्छे सीन मोमेंट्स थे, बेस्ट मोमेंट्स थे जो मूवी के, बहुत ज्यादा पसंद आया, उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगी, अभी के लिए आई थिंक इतना ही, हमारे चैनल हमारे ट्विटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए और लाइक भी जरूर क्या कर रहे और बस कितना अल्लाह हाफिज क्या कहते हैं पता चले आप कुछ कितना, अच्छा ये मैं भूल गया था अभी कह रहे हैं अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज।